हेलो गाइस, वेलकम टू अनाइसा व्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। क्या हुआ? और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मेरा सारा घर का काम हो चुका है और मैं जा रही हूँ शावर लेने। फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद। और ये जो बच्ची है, देखो ये कितना रोती है, देखो। फिर कहते हैं नहाई धोई है, ऐसा हो जाएगी कि मिनट में किसी को हाथ लगाने नहीं देते अपने मुँह पर। तो मैं, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं शावर लेके आती हूँ जल्दी से। तो हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ नहा के और आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि कपड़े धो लूँ थोड़े से, बट हमारी मशीन में पानी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। तो मैं पहले मशीन ठीक करने वाला बुलवाना पड़ेगा, तब जाके धो पाऊँगी, क्योंकि कपड़े भी मेरी बाबू के बहुत सारे हो रहे हैं। खाना तो मैंने सुबह ही बना लिया था, बस हम मुझे मम्मी पापा का इंतज़ार है। मम्मी पापा ऑफिस से आने वाले होंगे, तो देखते हैं मम्मी पापा कब तक आएंगे। और 2 दिन से मैं ब्लॉग इसलिए डाल पा रही थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। तो जब जाके मैं डॉक्टर से मेडिसिंस लेके आई हूँ, तब जाके मेरी तबीयत अब जाके ठीक हुई है। मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं होता, मेरे पेट में इन्फेक्शन और मेरा BP लो बता रहे थे, तो इस चक्कर में। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो मेरे हस्बैंड के साथ जो मेरा प्रैंक था, जो मैंने व्लॉग डाला था, तो उसको कोई भी सीरियस ना ले, क्योंकि वो व्लॉग मेरे जो देवर हैं सुमित और जो मेरे हस्बैंड हैं, इन दोनों ने ही मुझे बोला था ऐसे ऐसे करने के लिए। और इन दोनों का ही प्रैंक था, इनको वीडियो का पता था। तो हमने यही सोचा कि रोज़ रोज़ डेली बोर क्या दिखाते रहे, तो कुछ आज एंटरटेनमेंट का करते हैं। तो इसलिए हमने प्रैंक करा था, तो उस प्रैंक को कोई भी सीरियस ना ले। और अब मैं थोड़ा करूँगी मेकअप में क्या शुरू में ही होता है शादी से पहले कि ये करना वो करना, बट शादी के बाद इतना टाइम नहीं मिलता, हर चीज़ में टाइम गिर जाता है। तो थोड़ा मेकअप करने के बाद मैं मिलती हूँ आपको। और खाना तो मैंने सुबह ही बना लिया था। चलो मैं आपको मेकअप करने के बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में, मैं बाबू को देख लूँ, सुबह से बाबू ऊपर है। ओके बाय। तो हेलो गाइस, और अब मैं खाने जा रही हूँ थोड़ी चाउमीन, मुझे भूख लग रही थी। नाश्ते में तो मैंने वैसे मटर की चटनी बनाई थी और रोटी बनाई थी, तो मैंने तब 2 रोटी खा ली थी। और मैं खाने जा रही हूँ चाउमीन, आप भी खा लो, आ जाओ। और अब मेरा घर बहुत फैल चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सामान कहाँ कहाँ कैसे रखूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड न्यू गद्दे लाए हैं बेड के, तो वो बहुत हैवी गद्दे हैं, तो उन पर डबल तो हम डाल नहीं सकते। इस चक्कर में मैंने गद्दे अपने इधर खड़े कर दिए हैं, जो मेरी शादी के गद्दे थे। और आप देख सकते हैं कितने हैवी गद्दे हैं ये, तो बैठने उठने में तो मज़ा आ रहा है इन गद्दों पे, और काफ़ी कंफर्टेबल भी फील हो रहा है, बहुत अच्छे गद्दे हैं। तो हमारी बाबू तो अभी है नहीं, पता बाबू उस पर मस्ती मारेगी तो ही पता चलेगा। और बैठे हुए हैं आज हमारी कल से बुआ जी भी आई हुई, मेरी बुआ सास, क्योंकि घर में शादी है आपको पता है। तो भाई, तो बुआ शॉपिंग वॉपिंग के लिए आई है, जो दुल्हन के मतलब की लड़की के जो भी लहंगे वहंगे, 2 शादी हैं तो दोनों का ही करवा रही हैं बुआ। तो मैं थोड़ी सी चाउमीन खा लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको चाउमीन के बाद। और मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिए इन गद्दों का मैं क्या करूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और बाबू अभी आई है अपनी बुआ के घर से नैनी करके, क्योंकि इसकी मम्मा तो सुलाती नहीं है, तो ये सबके घर पे जाके सो जाती है ना। बुआ के घर पे जाके सो जाते हो, वर्षा बुआ क्या क्या चीज़ें खिलाती है, दूध पिलाती है नन्ना, चीज़ें खाते हो, चावल हप्पा खाते हो। तो बाबू मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बाबू अभी आई है, थोड़ा इसके साथ खेल लूँ मैं। और हम नीचे बैठे हुए हैं, गद्दा अपना पुराना वाला गद्दा बिछा के,
और देखते हैं क्या बनेगा खाने में, देखते हैं। तो अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, 4 तारीख को बाबू का मुंडन है, 4 अप्रैल को मंगलवार के दिन, और देखते हैं हमारी बाबू का गंजी का लुक कैसा रहता है। यार क्यूट ही रहता है, गंजी में भी बहुत से बच्चे अच्छे लगते हैं। तब बाबू पता नहीं कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, है ना, है ना मेरे पुत को। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। मेरा बाबू कैसे अपना डिनर कर रहा है, बाबू खा रहा है बॉयल हुआ हुआ राजमा। ये बार बार मुझसे कह रही है कि मम्मा जल्दी जल्दी खिलाओ, मुझे पार्टी में जाना है, क्योंकि बाबू की प्लान बाजी है, क्योंकि बाबू की बड़ी वाली सिस्टर आई हुई है बाबू को लेने के लिए। वो कह ले मौची जल्दी जल्दी खिला दो, आप लोग भी खा लो और अपने बाबू को भी खिला दो। अच्छा नहीं, अच्छा भाई आप लोग मत खाओ और आपके बाबू भी नहीं खाएंगे, बस मेरी बाबू का ही। ओ नहीं, बस इतनी जल्दी फिनिश कैसे करता है मेरा बेटा। बोले मैया बस, और नहीं ले बस आराम से खाते हैं नन्नू, इतनी जल्दी नहीं फंदा लग जाएगा। तो हेलो गाइस, रात के बज रहे हैं अब 11 और बाबू है मेरे ऊपर और आज उन्होंने खाए थे टेस्टी से राजमा चावल। राजमा चावल और कढ़ी चावल सबको अच्छे लगते हैं और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं। आप भी बताना आपको राजमा चावल पसंद है, दाल चावल पसंद है या कढ़ी चावल, तो आपको क्या कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं, कढ़ी मेरी फेवरेट है। और जो बाबू ऊपर है, बाबू का वेट कर रही हूँ कि बाबू नीचे आएगी, और मैं व्लॉग का एंड करना चाह रही हूँ। और ये देखो रिशु है, रिशु आए हुए हैं बेचारे, आज रिशु बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे देवर की शादी है घर में 28 तारीख की, 28 अप्रैल की, तो जिस चक्कर में घर में काम चल रहा है, तो आज मेरे छोटे देवर ने टांड पे चढ़ के पूरे टांड की सफाई करी, सारा वेस्ट सामान निकाला, मम्मी के साथ लग के इन्होंने बहुत काम करा आज, तो इस चक्कर में आज ये नहाए भी नहीं है। और अभी कह रहे भाभी कल नहाऊंगा, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए आज थोड़े दिन से बच्चे व्लॉग में भी नहीं आ रहे इसी चक्कर में, क्योंकि वो काम कराने में लगे हुए हैं और नीचे वाले घर में सिंक लग रही है बर्तन धोने वाली, तो इस चक्कर में ये व्लॉग में भी नहीं आ रहे, क्योंकि पापा तो आपको पता है घर में लड़कों की ज़रूरत होती है काम वाम के लिए, तो हमारे घर में तो यही है, एक छोटे हैं एक वो बड़े हैं जिनकी शादी हो रही है, तो जिस चक्कर में ये ब्लॉग में थोड़ा कम दिखते हैं, दिखेंगे अब दिखना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे जैसे हमारी शादी पास होती रहेगी, हम दिखाएंगे हमारे घर में जब शादियाँ होती हैं तो हम कितना इन्जॉय करते हैं। बट मेरी शादी हुई है 2021 में, तो उसके बाद मेरे बाबू रह गई थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो पिछले साल 2022 में भी शादी थी मेरे जेठ की, तो उनकी शादी में ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए मेरा बाहर जाना बन जा इतना नहीं था, मैं बाहर नहीं जा सकती थी, बहुत ज़्यादा उतरना डांस करना किसी भी तरह का इन्जॉय नहीं किया था। नॉर्मल जैसे शादी में गए, खाना वाना खाया, फ़ोटो वोटो क्लिक करी, आ गए, क्योंकि उस टाइम आप लोगों को ही पता है बहुत शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो जिस चक्कर में अब देखते हैं अब क्या धूम मचा सकते हैं, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी वो बात तो मुझे ये लग रही है
कि मेरी बाबू इतने हल्ले में रहेगी कैसे, क्योंकि अनायशा तो रहती ही नहीं है घर में भी, कोई अगर कमरे में कोई ज़्यादा ऑब्जन हो जाएंगे तो उतने चिल्लाने लग जाते हैं। तो देखते हैं वो मेरा क्या हाल बनाने वाली है शादी में, क्योंकि हमारे घर में एक शादी नहीं है, दो शादियाँ हैं, वो भी 1 अप्रैल में 1 मई में। और तो देखते हैं वो मेरा क्या भूत बनाने वाली है। वैसे तो वो 4 तारीख को उसका मुंडन है, वो पूरी गंजी हो जाएगी। हमें तो ये सोच के वो हो रहा है कि गंजी वो उसका लुक कैसा लगेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्नैपचैट पे भी बहुत से फिल्टर्स हैं, उसमें गंजा कर देते हैं बच्चों को, तो ऐसे करके देखा था तो उसमें तो मैं बहुत हंसी आई, वो बहुत ऐसी लग रही है। तो आप लोग ज़रूर देखना, बाबू जब गंजी हो जाएगी उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगी। हमारे घर में क्या होता है, मेरे पियर में तो क्या है, मेरे पियर में तो बच्चों के बाल गुड़गांव में उतरते हैं, बट मेरे ससुराल में जो है वहाँ गुड़गांव नहीं जाते। किसी के घर में रीति रिवाज अलग होते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड है मान्या, उसके घर में भी गुड़गांव नहीं जाते, उसके भी बल्कि कई कई घरों में बुआ और फूफा उतारते हैं। पर वही रीत मेरे ससुराल में भी है, जिसमें मैं बाबू की फूफा और बुआ उसके बाल उतारेंगे। और जो भी हमारी माता मसानी, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, शीतला माता, गुड़गांव की माता मसानी, इनका जो भी पान प्रसाद होता है हम वो देते हैं। तो वहाँ हमारे में जात नहीं लगती, वहाँ जाके जो करना होता है घर में करना होता है, घर में ही गेस्ट बुलाने होते हैं और घर में ही पूजा वूजा होती है, घर में ही पंडित वंडित आते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, मैंने आज फर्स्ट टाइम वो होती है ना बीट की स्ट्रिप्स, वो मंगाई मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे अपने हाथ पे करनी थी तो मैंने ट्राई करा, उसका सच में इतना गंदा रिजल्ट आया ना, कोई भी परचेज मत करना। मैंने अपने थोड़ा शोल्डर की साइड पे कर ली, बैक साइड पे, तो मेरे को ना इतनी इचिंग हो रही है, ना पे इतनी इचिंग हो रही है, और जैसे मैंने स्ट्रिप करके और मैंने हटाई तो वहाँ मेरे रैशेज पड़ गए। किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, किसी की नहीं होती, बट मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है, तब भी मेरे वो रिएक्शन कर गए। तो मेरी उससे तो कोई भी मत लेना उन स्ट्रिप्स को, इससे अच्छा तो बाहर से डब्बा ले आओ रिका का या चॉकलेट का, वो वैक्स ठीक रहती है। बट ये वीट ने तो, मुझे पता है गर्मी का टाइम है, पसीना चलता है शरीर पे, वो पसीना लग रहा है तो इतनी जलन मच रही है, क्योंकि ये जो शोल्डर की जो इधर की साइड होती है ये बहुत वैसी होती है, आपको खुद को पता है, बहुत पतली खाल होती है आपको। तो कोई भी परचेज मत करना, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं जैसे बैठी हुई हूँ ना दर्द में, मुझे ही पता है, मैंने सब कुछ करके देख लिया बट तो उसमें बिल्कुल आराम नहीं पड़ रहा। मैंने बाबू की अपनी रैश क्रीम लगाई है, तब जाके अब थोड़ा सा ठंडक सी मिल रही है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना बहुत है, और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरे अभी सुबह का ही टाइम है, सुबह मेरे 2:35 थे, थैंक यू सो मच 2:47 करने के लिए। मेरा ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और अपना हाथ में शुभ बनाए रखिए यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच। और ये मेरे जो बच्चे हैं ये बहुत बदतमीज हो चुके हैं, ये मेरी एक्टिंग कर रहे हैं पीछे से मेरी बातों की। और मैं आपसे बोल रही हूँ कि बस ऐसी इसी तरह सपोर्ट बना के रखिए, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, अच्छा करा मेरे साथ, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ मुझे वीडियोस पे मिल रहे हैं। जैसे मेरे, मैं तो ये चाहती हूँ जैसे मेरे शॉर्ट की वीडियो पे मुझे इतने अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं ना, वैसे ही मैं जो ब्लॉग की वीडियो बनाती हूँ जो उस पर भी इतने अच्छे व्यूज़ दीजिए, क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं भी ये सोचूं जी हाँ जी मेरे को बल्कि यूट्यूब पे मेरे ब्लॉग में व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, कि मुझे भी थोड़ा वो हो कि मैं आगे से आगे ब्लॉग बनाऊं, कि मुझे क्या करना है, मुझे अच्छे अच्छे कंटेंट दीजिए कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ प्रैंक करने को दीजिए, मैं उन प्रैंक पे वीडियो बनाऊं, कुछ भी प्रैंक देना, बट मेरे हस्बैंड के साथ मुझे कोई प्रैंक मत देना, क्योंकि एक प्रैंक करके ना
सब यूँ कह रहे हैं ऐसे नहीं करते पति के साथ, ये होता है वो होता है, मगर किसी को ये नहीं पता वो प्रैंक क्या है, मगर सब सीरियस समझ रहे हो उस बात को। तो मैंने 10 बार बोल दी है बात, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। सबके फ़ोन आने लग गए, भाई ऐसे क्यों लड़ रहे हो, ये वो फलाना, ऐसे कोई वो नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए हमने ये करा था। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।